ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हम आपको मुंब्रा वाई जैक्शन सील फाटा कल्याण फाटा की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहां रोड चौड़ा करने का काम किया जा रहा था। काम अभी आधा अधूरा हुआ है और रोड का काम होते हुए भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। वाई जैक्शन से लेकर कल्याण फाटा रोड तक किस तरह से रोड बदहाल हुआ है। सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों की वजह से भारत गेट के पास एक ट्रक पलट गया और दूसरा हादसा सीलफाटा के पास हुआ है, जहां एक टेम्पो पलट गया है। ये दोनों हादसा रात 12 से 3 बजे के बीच में हुआ है। आपको गड्ढों की तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए किस तरह से वाई जैक्शन से कल्याण फाटा तक रोड के दोनों तरफ आपको इसी तरह गड्ढे जगह जगह पर मिलेंगे। ऐसे में बारिश का महीना है और यहाँ ट्रैफिक भी जाम रहती है। बारिश का पानी भरने की वजह से टेम्पो और ऑटो चालक बाइक चालकों को पता नहीं चलता कि गड्ढे कहाँ हैं। कई बार बाइक लेकर इन्हीं गड्ढों में गिरने की खबरें भी सामने आई हैं, जबकि मनपा कमिश्नर संजीव जायसवाल ने गड्ढों को भरने का निर्देश दिया था, मगर इन गड्ढों को अभी तक भरा नहीं गया है। बड़े गड्ढों में ट्रक का पहिया गया और ट्रक रोड पर ही पलट गया। गनीमत रही कि पलटने के वक्त आसपास कोई दूसरा वाहन या कोई बाइक सवार नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसी तरह सील फाटा पर भी टेम्पो पलट गया, ड्राइवर और चालक सुरक्षित हैं। मगर भारत गेट के पास जो ट्रक पलटी हुआ है उसमें क्लीनर शाहनूर खतीब को पैर में चोट लगी है और चालक वीरप्पा हरिजन सुरक्षित है। क्या नाम है आपका? वीरेश जो। कितने बजे हादसा हुआ? 3:30 बजे हो। बट कैसे है ये हादसा, कैसे हुआ? वो गड्ढे की वजह से वो गाड़ी पलटी हो गया। कहाँ से आ रहे थे? हम बेलगाम से आ रहे थे। गड्ढे की वजह से पलटी हुआ है? गड्ढे की वजह से पलटी। कितने बजे की घटना है? 3:30-4 बजे। किसी को चोट वोट लगी है क्या? हाँ, चोट लगी है किसी को? नहीं नहीं नहीं, वो ड्राइवर को, हमारे किन्नर को थोड़ा पाई को लगी है। क्या नाम है उसका? अर्जुन। कहाँ के रहने वाले हो? हम गोपाक में रहते हैं, यादवाट। सिबली नगर के सामने की तस्वीर दिखाते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ गड्ढे हैं और कचरों की एक लाइन में रोड के किनारे लगाकर रखा गया है। हम आपको गड्ढों की तस्वीरें दिखाते हैं और लोगों ने क्या कहा है वो भी सुनाते हैं। खड्डे जो
है इसके वजह से तकलीफ हो रही है क्या? बहुत ज़्यादा भाई, बहुत बोले तो बहुत, दिल्ली का ट्रैफिक ट्रैफिक की समस्या, दोनों बाजू से पूरा जाम होता है ट्रैफिक, और मान के चलो 45 मिनट्स लगता है वहाँ से यहाँ तक आने में, वहाँ पे से लेके तो पूरा शिमला पार तक, कौसा तक, पूरा कौसा तक जाम है। ये जितने भी कंटेनर है ऑल ओवर इंडिया के कंटेनर को यहाँ से दिया हुआ है पूरा जाने का रास्ता, इन सबको बंद करवा दो यहाँ से, या तो रास्ता बनवा दो, रास्ता बनाएंगे। नहीं, जिस तरह से ये सड़कों पर खड्डे काफ़ी हैं तो इसीलिए माना जा रहा है कि ऐसे जैसे पलटी हुआ गाड़ी, ऐसे कई हादसा भी होते हैं। बहुत हादसे हो रहे हैं ना, गाड़ी पलटी हो रही है, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं गाड़ी खड्डों की वजह से, और दिन का रोज का डेली का कुछ ना कुछ है, कहीं गाड़ी स्लिप हो रही है, कहीं बाइक गिर रही है। आपको बता दें कि हर रोज गड्ढों की वजह से बाइक सवारों की गिरने की बात सामने आ रही है, हमेशा एक डर का माहौल बना रहता है इस रोड पे चलने वालों को कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, मगर इसके बावजूद वाई जंक्शन लेकर कल्याण फाटा तक रोड के दोनों तरफ गड्ढों को भरा नहीं गया है, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।